भागती दौड़ती ज़िंदगी में सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जो उसके लिए लाइफ चेंजिंग होता है। उसी तरीके से मेरी लाइफ में भी वो मोमेंट तब आया जब भगवान जी ने सारी खुशियाँ मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में दे दी और मैंने भी उन्हीं खुशियों के साथ अपनी खुशियाँ जोड़ ली। जी हाँ, ये मेरी लाइफ का एक इतना सुंदर पल है, इतना हसीन पल है जो शायद मैं आपसे कभी शेयर नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, कहते हैं हर चीज़ का अपना एक वक्त आता है, तो शायद यही वो वक्त है जब मैं आपके साथ अपनी इन खुशियों को शेयर कर सकती हूँ। ये सारे मोमेंट्स मैंने अपनी मेमोरीज़ के लिए उस टाइम पे कैप्चर किए थे, तो कभी नहीं सोचा था आगे जाके मैं आपको भी ये सब शेयर कर पाऊँगी और अपने ही उन पलों के साथ जोड़ पाऊँगी। इस प्रेगनेंसी की जर्नी में मैंने ये पाया कि एक माँ बनना इतना आसान काम नहीं है, तो किस तरीके से एक माँ बच्चे को सपोर्ट करती है, उसको एक 9 महीने पेट में रखती है, कैसे पालती है, तो अपनी माँ की कदर समझ में आ जाती है बहुत जल्दी। तो डेफिनेटली सल्यूट टू ऑल मदर्स जो इस दर्द से गुजरती हैं और एक नन्ही जान को इस दुनिया में लेके आती हैं। और देखिए, मेरी भी नन्ही सी जान, मेरी परी इस दुनिया में आ गई है एंड डेफिनेटली शी कम्प्लीट्स मी। इसके आने के बाद मानो जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी हो गई और मेरी खुशियां ही इसके साथ जुड़ गई। अब कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ पाने के बाद आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो हाँ, मेरी बेटी के आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इससे बड़ी मेरी कोई और इच्छा नहीं हो सकती थी और वो खुशी का मतलब ठिकाना ही नहीं था। सबकी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे इतने छोटे बच्चे को इतने सालों बाद ऐसे घर में देख के, तो जो लहर थी खुशी की वो एक अलग ही फीलिंग थी, मतलब शायद उसको शब्दों में बयां करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो आइए मिलते हैं हमारी छोटी सी बिटिया रानी से, जिसने मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया और एक नया उत्साह दिया, साथ ही साथ घर के हर एक सदस्य को अपने आप से ऐसा जोड़ा कि मैं कहूँगी कि हर एक मेरा घर का सदस्य की जान जैसे कि मेरी बेटी में ही बसती है, वो मेरी तो कम बाकी सबकी ज़्यादा बेटी है, इतना प्यार उसको मिला है यहाँ पे। सच बताऊं तो वक्त कितनी जल्दी आगे बढ़ जाता है तो इसका तो पता ही नहीं चलता। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तब आपको समझ में आता है कि आप कितनी दूर तक आगे आ गए हो। और इसी तरीके से साल और कुछ महीने इस तरीके से बीते कि हमें भी नहीं पता चला कि कब हमारी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जो हमारी गोद में कल को खेल रही थी, आज अपने नन्हे कदमों से थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा के ऊपर नीचे गिर के संभल के चल लेती है। और खैर, वो बात अलग है कि हमें भी इसके साथ उतना ही दौड़ना पड़ता है, ठीक है। इतना आसान नहीं रही ये जर्नी, बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और हर एक लम्हों को कैद करने वाली ये पूरी जर्नी रही है मेरी। चाहती तो बहुत हूँ कि हर एक प्यारा लम्हा जो बीत गया है वो मैं सारी की सारी जर्नी आपके साथ शेयर कर पाती, लेकिन शायद सबको दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एक छोटी सी कोशिश मैंने यहाँ पे करी है कि मैं एटलीस्ट अपनी ये एक सबसे ख़ास जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आई होप वो मैं कर पाई होंगी। मुझे तो लगता है हर माँ बाप के साथ ऐसा ही होता होगा कि बच्चे के आ जाने के बाद उनकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, वो उन्हीं के लिए जीते हैं। तो उसी एहसास के साथ बस मैं भी जी रही हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी दुनिया अब मेरी बेटी में ही जुड़ गई है और उसके अलावा तो मुझे लगता है मेरी लिस्ट में समय तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। तो शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी और मुझे लगता है कि शायद हर माँ की एक अपने बच्चे के लिए ऐसी ही एक फीलिंग हमेशा रहती होगी। तो उसी के साथ समय बिताना, उसी के साथ खेलना, हाँ वो बात अलग है क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है ऑफिस की वजह से, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, सारा दिन तो बाहर ही रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी समय को चुराना पड़ता है ऐसा लगता है, क्योंकि आगे पढ़ना है तो कुछ सेक्रीफाइस भी तो करने पड़ेंगे। तो बस इन्हीं सेक्रीफाइस, प्यार और समय निकालना, चुराना, इन्हीं सब के साथ आजकल लाइफ बढ़ती जा रही है और ये समझ नहीं आ रहा अगली बार जब पीछे मुड़ के देखूंगी तो वक्त और कितना आगे बढ़ गया होगा।
इतनी सारी बातों में मैंने ये बात तो आप लोग को बताई नहीं कि हमने अपनी बिट्टू रानी का नाम शांभवी रखा। हाँ जी, तो शांभवी, चूंकि हमारा ये मानना है कि जो भी मिला है सब भोलेनाथ की ही कृपा से मिला है, तो शांभवी यानी कि जो भोलेनाथ को प्रिय हो, और वैसे इसका मतलब पार्वती जी भी होता है। तो ये है हमारी छोटी सी गुड़िया सी शांभवी, और हम लोग वैसे इसे प्यार से अम्बू कहते हैं। और वैसे अम्बू भी कोई भोलेनाथ से अलग नहीं है, क्योंकि अम्बू का मतलब होता है जल, और जल वो जो हम शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को संभालना आसान तब हो जाता है जब आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम हो, वो चाहे आपके हस्बैंड के रूप में हो, आपकी फैमिली के रूप में हो, चाहे जिस वे में भी हो। तो सेम मेरे साथ भी एक मेरा सपोर्ट सिस्टम है, तो अम्बू की चिंता मैं इतनी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब उसकी चिंता लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो अम्बू का टाइम मतलब मामा, नाना, मौसी, नानी सब लगे रहते हैं उसमें, तो अम्बू भी अपना मस्त रहती है इनके साथ, तो जिसकी वजह से मैं अपना काम थोड़ी सी आसानी से कर पाती हूँ, चूँकि मेरे पास भी बहुत सारे काम ऑलरेडी बाहर के रहते हैं, तो इसलिए बड़ा मतलब एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम मिक्स एंड मैच वाला चल रहा है, तो सबका मन लगा रहता है। वैसे सब अपना टाइम निकाल के भी अम्बू के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि खुद सबको इतना मज़ा आता है। हमारे घर के जिसे कह सकते हैं ये एक होप है, खुशी है, और हमारा सब कुछ अब अम्बू से ही जुड़ा है और अम्बू में ही शामिल है। तो खैर, मैंने आज बहुत 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 सारी बातें आप लोग के साथ शेयर की, जो कि मैं करना भी चाहती थी और इतने टाइम से वक्त नहीं मिल पा रहा था। बीइंग अ वर्किंग मदर, आपको एक अलग ही जिम्मेदारियों का एहसास होता है हमेशा, और आप हमेशा अपने बच्चे के लिए सोचते रहते हो, कि और अपनी प्रायोरिटी को खुद को आप बहुत ही लीस्ट और सेकेंड प्रायोरिटी पे रखते हो, जिसे कहते हैं सब कुछ आपका बेबी ही आपके लिए होता है लाइफ में। तो सेम इसी तरीके से दिस फेज ऑफ माई लाइफ आई एम हैप्पीली इन्जॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, तो वही मैंने आपके साथ भी कोशिश करी है शेयर करने की। और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइस, इन व्हाटएवर फेस यू आर राइट नाउ, जस्ट एंजॉय एंड एक्सपीरियंस एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। ओके, टेक केयर, बाय, सी यू गाइस अगेन इन माय नेक्स्ट व्लॉग।